أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa mahfiratuhu wa dahil al-jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت اللهم خذ بيدي अरे बच्चों आज हम लोग फिजिक्स नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में जो हमारी बातचीत होगी वो उजरे वाला थर्ड बेस्ट क्वांटिटी जिसका नाम मैस है तो आज हम मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं जी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से थे जी? सबसे पहले हमने पढ़ा था जी मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ा था जो कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर हमने मीटर रूल के बारे में पढ़ा वो भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा वो भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर हमने स्क्रू गेज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा वो भी क्या लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने आज जो स्टार्ट करना है वो मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने बात करनी है। तो बेटा मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं? दो इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इनको हम बैलेंसेस भी कहते हैं, इसको हम फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दो इंस्ट्रूमेंट्स, दो का मतलब होता है वो, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है आलात या हथियार। वेपन्स वैसे हथियार के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है लेकिन ये क्या है, ये आला है। ठीक है, विच आर यूज्ड जो इस्तेमाल होते हैं फार के लिए नमयमेंट पैमाइश ऑफ मैस कमियत की ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक जिसम के आर कॉल्ड ये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमें मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, हमें कमियत मापने वाले आलात कहते हैं। ठीक है, और इसको तराजू भी कहते हैं, बैलेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये चार टाइप्स हैं और ये चार की चार आपने पढ़नी है अपने इस कोर्स के अंदर। ठीक हो गया जी, अब इधर आ जाइए। एक जो हमारे पास बीम बैलेंस है वो किस तरह का होता है, खास तौर पे जब आप एक कबाड़ियों को देखते हो, देखते हो नहीं देखते जी। जब कबाड़िया आपसे कोई चीज लेने के लिए आता है तो उसके पास एक किस तरह का तराजू होता है जी। ये असल में बीम बैलेंस है, इसके अंदर एक ये बीम होती है और इसके जरिए से ये तराजू बना हुआ होता है। एक साइड पे वो सूखी रोटियां रहती वगैरह डालता है और दूसरे साइड पे वो एक किलो दो किलो आधा किलो के बाट रखकर वजन करता है और आपको उसके मुताबिक पैसे देकर वो चीज ले जाता है। ऐसा ही है ना, तो ये असल में फिजिक्स की दुनिया में इसे नाम दिया जाता है किसका, बीम बैलेंस का। तो बैलेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ बीम विद टू बैंड्स अटैच्ड टू इट्स अपोजिट एंड्स इज कॉल्ड बीम बैलेंस। ये एक बैलेंस है, एक तराजू है दैट कंसिस्ट ऑफ जो मुश्तमिल होता है, जो बना हुआ होता है आप ए बीम, एक बीम पर एक लट पर विद टू पैन जिसके साथ दो पलड़े होते हैं अटैच टू इट्स अपोजिट एंड जो इसके दो मुखालिफ सिरों के साथ जुड़े हुए होते हैं इज कॉल्ड बीम बैलेंस। हम इसको नाम देते हैं किसका, बीम बैलेंस का। ए बैलेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए लीवर, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि एक बैलेंस जो मुश्तमिल होता है एक लीवर पर, लीवर भी एक सलाख होती है। ठीक है, विद टू इक्वल आर्म्स एंड ए पैन सस्पेंडेड फ्रॉम ईच आर्म। आगे चलिए,
तो क्या जी ए बैलेंस, यहां से शुरू करना ठीक है, ए बैलेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए लीवर, एक बैलेंस जो एक सलाख पर मुश्तमिल होता है विद टू इक्वल आर्म्स, और इसके दो बराबर आर्म्स होते हैं, देखें एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, दोनों बराबर होते हैं ठीक है बेटा। एंड ए पैन सस्पेंडेड फ्रॉम ईच आर्म, और हर आर्म के साथ एक पलड़ा लटका हुआ होता है, पलड़ा सुन रहे हो, इज कॉल्ड बीम बैलेंस, इसको क्या कहते हैं, बीम बैलेंस कहते हैं। अब अगला सवाल जी होता है जी इसको यूज कैसे, अगला सवाल होता है इसको यूज कैसे करते हैं, मेथड टू यूज द बीम बैलेंस, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू यूज बीम बैलेंस, दर्ज ज़ैल जो है ये स्टेप्स हैं, ये मराहिल हैं, ये इकदामात हैं जो हमें करने पड़ते हैं बीम बैलेंस को इस्तेमाल करने के लिए। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू यूज द बीम बैलेंस, नंबर वन द अननोन मास इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द पैंस, अननोन मास क्या, आपकी रद्दी, आपकी सब्जी, आपका लोहा ठीक है, वो एक पलड़े में रख दिया जाता है, ऐसे ही होता है जी। और दूसरे पलड़े में सुन रहे हो, द अननोन मास सुन रहे हो, द अननोन मास इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द पैंस, द अननोन मास इन वन पैन इज बैलेंस्ड बाय पुटिंग नोन मैसेज इन द अदर पैन। अब जो नामालूम मास जो कि आपकी सब्जी है, बात समझ आ रही नहीं आ रही, जो सब्जी वगैरह जो आपकी रद्दी वगैरह जो आपका लोहा वगैरह, उसको हम बैलेंस करते हैं, उसको मुतवाजन करते हैं दूसरे पलड़े में मालूम मास रखने वाले, मालूम मास रखने वाले पार्ट्स को रखकर, बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब देखें बाग का, आपने दूसरे पलड़े में एक किलोग्राम का वट्टा भी डाल दिया, दो किलोग्राम का वट्टा भी डाल दिया, समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो टोटल मास कितना हो गया, तीन किलोग्राम। तो ये बता रहे दसम आप आल नाउन मैसेज ठीक है इन द अदर पैन इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तीन स्टेप्स कि दूसरे पलड़े में पड़े हुए जितने भी नाउन मैसेज है उन तमाम को एड कर लो, उन वट्टों के मासेज को, बार्स के मासेज को एड कर लो, तो आपके पास जिस चीज का मास आपने रद्दी सब्जी जिसका भी मास आपने निकालना था वो उनका मैस है, बात समझ आ गई। ये था बीम बैलेंस और उसका इस्तेमाल किस तरह हमने करना है। आगे बेटा फिजिकल बैलेंस है, अब फिजिकल बैलेंस तो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, नई चीज है, डेफिनेशन करेंगे, इसके पार्ट्स के नाम पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मेथड टू यूज पढ़ेंगे, बात समझ आ गई नहीं आ गई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।